नमस्कार फरीदाबाद, मैं राज बघेल पहुंचे हम गुड़गांव चौक पे। देख सकते हैं आप यहाँ भीड़ लगी है। एक हाइड्रा ट्रक है वो जो है पलट चुका है, सीमेंट से भरा ये ट्रक था। आप देख सकते हैं गुड़गांव चौक पे इस समय मौजूद है हम। देख सकते हैं आप यहाँ किस संख्या में भीड़ लग चुकी है। पुलिस भी यहाँ मौके पे मौजूद है और जेसीबी भी मौके पे मौजूद है। देख सकते हैं आप हालत, दिखाएंगे आपको आगे से भी। देख सकते हैं फरीदाबाद पुलिस मौके पर मौजूद है और आप हालत देख सकते हैं ट्रक की, बहुत ही भीषण यह हादसा हुआ है, बहुत ही भीषण हादसा हुआ है आप देख सकते हैं। और आप देखें एक गाड़ी भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। गाड़ी का नंबर आपको बता दें HR26BT6616 गाड़ी का नंबर है। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं। कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ था भैया, कैसे हुआ था? तुम नहीं थे? देख सकते हैं फरीदाबाद, बताया जा रहा है ट्रक का नंबर आप देख सकते हैं HR47D3248। क्या हुआ था इसमें? ये कहाँ है? गुड़गांव जा रहा था ट्रक, गुड़गांव से। तो गाड़ी वालों को क्या नुकसान हुआ? ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। बाकी कोई नुकसान? चार बंदे थे फरीदाबाद बताया जा रहा है। हालांकि चोट किसी को नहीं आई है, सब सुरक्षित हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पूरी भीड़ लग चुकी है मौके पे। गुड़गांव चौक पे हम मौजूद हैं। देख सकते हैं आप क्रेन सर्विस पूछेंगे। अच्छा, किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, थोड़ी बहुत खरोच आई लेकिन। और ट्रक वाले, ट्रक ड्राइवर? ट्रक ड्राइवर को अभी पुलिस वालों ने हिरासत में, पुलिस वालों ने। अच्छा अच्छा, वो भी सेफ है। अच्छा, तो दोनों गाड़ी में जितने कितने लोग होंगे? जैसे ट्रक में तो एक अकेला था ड्राइवर या कोई और? एक बंदा था। अच्छा, और इसमें चार बंदे थे। गुड़गांव से आ रहा था ट्रक, मतलब उस साइड से, पहाड़ी की साइड से। अच्छा अच्छा, इसमें जो चार बंदे थे वो सेफ है? वो सेफ है बिल्कुल, और ड्राइवर भी सेफ है। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं फरीदाबाद गाड़ी की हालत दिखा दे आपको। बहुत ही करीबी मामला था, जान जाने का खतरा भी था, पर जैसे कि बताया जा रहा है कि चार बंदे थे गाड़ी में, बस सबको थोड़ी थोड़ी खरोचे आई हैं, किसी की जान पे कोई बात नहीं आई। देखें आप, देख सकते हैं आप, सीमेंट से भरा ये ट्रक था, पूरा जो सामान है वो बिखर चुका है। गाड़ी बताया जा रहा है फरीदाबाद की, गाड़ी का जो है वो पंचर, जो ट्रक है पंचर हो गया था टायर, जिसके दौरान गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और उसके बाद ये हादसा हुआ। देख सकते हैं हम मौके पर भीड़। गाड़ी का मतलब स्पीड में थी, स्पीड में एक इसका जो टायर फटा, पत्थर उड़ के एक बच्ची के लगा, खराब हो गई। अच्छा, वो हॉस्पिटल में भर्ती। अच्छा,
वहाँ से आ रही थी ये गाड़ी स्पीड में, जैसे टर्न मारा ना, अब जब लोडिंग गाड़ी है स्पीड में आ रही तो पलटेगी। आप भी थे भाई साहब, तुम भी थे भाई, देख सकते हैं फरीदाबाद बहुत ही, ये कह सकते हैं हाईवा ट्रक हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल पूरा पलट चुका है। बताया जा रहा है कि ये गुड़गांव की साइड से आ रहा था और जो है कि मोड़ते समय इसका टायर जो ब्लास्ट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, जैसे कि बताया जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप भी थे भाई साहब, आप भी थे क्या, आप भी थे, तुम भी थे भाई, आप भी थे यहाँ, आवाज आई होगी, टायर फट गया था, लड़की को लगे पट्टा वगैरह उछल गए। अच्छा अच्छा, अच्छा वहाँ भी लगी है एक गाड़ी। अच्छा देख सकते हैं फरीदाबाद जो जाम है उसे क्लियर करा जा रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ क्रेन की मदद से ये जो ट्रक सामान, अभी इसका हटाएंगे पहले जब इस ट्रक को सीधा करेंगे। बताया जा रहा है, जैसा कि बताया गया है कि एक लड़की के भी चोट आई है, आंख उसकी डैमेज हो गई बता रहे हैं। देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा भीषण हादसा हुआ है, पुलिस मौके पर मौजूद है। देख सकते हैं आप यहाँ बल लग रहा है हटाने का कट्टों को। देख सकते हैं फरीदाबाद मौके पर बहुत जो है जाम लग चुका है, पुलिस क्लियर करा रही है जाम को। दो दो क्रेन यहाँ पे मौजूद है, एक ये रही एक उधर वो रही। ड्राइवर आप चला रहे थे, आप चला रहे थे, क्या टायर क्या पंचर हो गया गाड़ी का ड्राइवर? और कौन कौन सवार था गाड़ी में? हम तीन चार जने थे, और तीन मतलब सुरक्षित है, वो घर भेज दिए। हुआ कैसे था सर, आप खड़े थे यहाँ पे क्या आ रहे थे? चलते धीरे हाँ। ये रुकती हुई गाड़ी आ रही है ऐसे। अच्छा ये ट्रक भी ऐसे आ रहा था, एकदम आया बता दू मैं इतनी दूर से बात कर रहा हूँ, वही से सीट पलाया यहाँ पलट गया चल रही है। दो गाड़ियों को एक है, दो गाड़ियों पे अटकी है, एक ब्रिज आगे खड़ी यहाँ पे। अच्छा अच्छा पुराने के रहने वाले थे, गुड़गावा से आ रहे थे, पचपन में जा रहे थे, तो किसी को चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं चोट तो चोट नहीं लगी किसी को। ये क्या पलटने से पहले आप लोग इससे निकल गए? पलटने के बाद पब्लिक ने निकाला था, पब्लिक पब्लिक में जिससे निकले हैं आप चला रहे थे या कोई और आपके साथ? अच्छा देख सकते हैं आप बहुत ही भीषण हादसा हुआ है, आप देख सकते हैं गाड़ी का जो तेल है वो निकल के आ चुका है। इस तरीके के हालात होंगे लेकिन बता दें पूरी फैमिली जो है सुरक्षित है, पूरी फैमिली जो है सुरक्षित है। जोड़ेंगे आपको शहर की और ऐसी तमाम खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।